एला अम्मा बाबा स्पेशल डे ऑफ आवर एनिवर्सरी हम लोग निकल रहे हैं बागदा बीच के लिए कोलकाता टू बागदा बीच। बज रहे सुबह का 5:03 एंड हियर वी आर जस्ट अभी हम लोग घर से निकले हैं। सो चलिए आज का ट्रिप आप लोगों के साथ। एंड हम लोग अभी आ गए हैं फुल टैंक तेल भरवाने के लिए क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था। सो हियर वी आर। हमारा स्पीकर सिस्टम भी रेडी है कि हम लोग गाने वाने सुनते हुए जाएंगे। हम लोग अभी कोलकाता से निकल रहे हैं तो ये हावड़ा ब्रिज है, सबको पता है। आई डोंट नो व्हाई मैं जब भी ना ये ब्रिज देखती हूँ मुझे ऐसे गाना आने लगता है ऐसे भीतर सी। कोलकाता तुम्ही यो हेट देखो कोलकाता वो वाला। और ये हम लोग सांतरागाछी वगैरह क्रॉस कर गए थे एंड अब बस कोलाघाट आने वाला था। ये तब का क्लिप है एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग आवर ट्रिप। सो मैं कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दैट्स ऑल। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ रुके हैं, कुछ नाश्ता वगैरह कर ले। बज रहा है अभी सुबह का 7:30 भी नहीं बजा है आई गेस। कितना बज रहा है? 7 बज रहा होगा शायद। कितना बज रहा है? 7 भी नहीं बजा है एक्चुअली, लेकिन हम लोग को भूख लग गया। हम लोग बहुत सुबह उठे हैं 4 बजे। ये देखिए मैं भालू बनी हुई हूँ। ये रहा सुबह 7 बजे का हमारा ब्रेकफास्ट, दैट इज आलू पराठा एंड घुगनी। अगर टेस्टी लगेगा देन वी ऑर्डर्ड अगेन। थैंक यू। तब बोल लो रे बाबा इस फोन के क्या। ओके थैंक यू। वो गए हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में। वी वेंट टू द वॉशरूम। तब तक वेट क्यों किया जाए? Not bad. आलू तो नहीं है लेकिन जो भी है। एज यूजल मैं कुछ ना कुछ भूलती हूँ, तो मैंने फिर अपना मैं सनग्लास भूल के आ गई हूँ एंड अभी मुझे वीडियो करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पूरा ना वो आँख पे आ रहा है रोशनी जो है। चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ खड़े हैं बहुत देर से। मैं वीडियो बात करने के चक्कर में मैं भूल गई कि थोड़ा वीडियो कर लिया जाए। सो ये खड़गपुर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। तो हमारा डेस्टिनेशन जो कि मैंने अभी तक रिवील नहीं किया था, हमारा डेस्टिनेशन है बागदा बीच। आपका ओडिशा का जो बागदा बीच है दैट इज़। सो वी आर गोइंग फॉर अ बीच बाइक से एक राइड और क्या। सो चलिए अब मैं वहीं मिलूँगी आपसे। अगर बीच में कुछ दिखाने लायक मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। हम लोग कोलाघाट पर स्टे किए थे, फिर ये खड़गपुर क्रॉस करके हम लोग एक जगह पर स्टे किए। सो मिलते हैं फिर आपको डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बने रहिए। सीधा आसपास हम लोग आ ही गए। सो हमें तो अभी ऐसा लग रहा है यहाँ आसपास कुछ नहीं है, होटल्स वगैरह भी नहीं है और लोकेशन दिखा रहे हैं कि बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। सो द मोमेंट हम लोग पहुँचते हैं उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अदरवाइज जो मैं सीनरी देख रही हूँ ना, ऐसा गाँव वाला माहौल, यही देख के बहुत 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 अच्छा लग रहा है।